अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओरिएंट जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसके ऊपर एक स्लीप वाली ऑप्शन बनी हुई है, हम डिस्कस करेंगे कि ये स्लीप किस तरह काम करता है जो ऑप्शन है। अब आपका एसी अगर हम ऑन कर देते हैं या ऑन कंज्यूमर बना हुआ नज़र आ गया, आपको नज़र आएगा कि कूल मोड पे 26 टेम्परेचर सेट है और आपका एसी चल रहा है। तो अब जैसे ही स्लीप वाला बटन दबाएंगे तो ये आपको एक स्टार और मून बना हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब आपका एसी स्लीप पे चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है कि सोए भी अगर उन्हें कोई आवाज़ आए या कोई इस तरह की चीज़ हो तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप स्लीप पे चला देते हैं तो इसके आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपको फ़ैन की आवाज़ नहीं आएगी, फ़ैन बिल्कुल स्लो स्मूथ चलेगा। दूसरा क्या होगा कि आप जब सो जाते हैं, आप 26 टेम्परेचर आपने सेट किया तो बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही वो 26 तक पहुँचेगा, इसी ट्रिप होगा, तो फिर आपको रात को सोते हुए सर्दी फील होती है, तो वो क्या करेगा आपका ये ऑटोमेटिकली जो स्लीप मोड ऑप्शन लगाई होगी ये एक दो टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर को सेट करते हुए आस्ता आस्ता बढ़ाता रहेगा ताकि आपको ठंड फील ना हो, रात को सोते हुए आप डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा क्या करेगा कि ये आपकी एनर्जी सेव करेगा क्योंकि फ़ैन ऑटो पे चलेगा बिल्कुल स्लो, तो ये इसके दो फायदे हैं। और तीसरा क्या, आप जैसे इस पर आप सिर्फ टेम्परेचर सेट कर सकते हैं जो भी आपने रखना स्लीप मोड पर, और फ़ैन की स्पीड और कुछ आप सेट नहीं कर सकते, टाइमर लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप फ़ैन वाला बटन दबाएँगे फ़ैन की स्पीड तो सेट हो जाएगी लेकिन स्लीप वाला ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे आप स्लीप पर जाएँगे तो ये फ़ैन ऑटो पे चलेगा, तो ये बेसिकली फ़ैन को कंट्रोल करता है और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही आपकी बॉडी को टेम्परेचर रात को फील होता है कि ज़्यादा ठंडा हो चुका है रूम, तो आप बाज़ का टेम्परेचर चेंज भी करते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक स्लीप मोड खुद ही चेंज करेगा और एनर्जी सेविंग भी करके देगा आपको। शुक्रिया।